नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी एक बार फिर से बढ़ गई है। हालांकि कोरोना का प्रभाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते हुए पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव आयोग की तैयारियों के साथ ही पंचायतों के मुखिया एवं प्रत्याशी भी अपनी कमर कस चुके हैं। इसी कड़ी में आज हमारी टीम फतवा के मोहितपुर पंचायत पहुंची और वहां के मुखिया महेश कुमार से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहितपुर पंचायत के मुखिया महेश कुमार से। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। हेलो जी, बोलिए। जी जी मुखिया जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपके क्षेत्र में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? देखिए मैडम, शिक्षा की तो हमारी जो फतवा प्रखंड की बात हो रहा है, हमारा पंचायत भी फतवा पूरे प्रखंड की बात बता रहे हैं जी। शिक्षा में जो सबसे ज्यादा दिक्कत है कि जो खिचड़ी वाला जो व्यवस्था चलता है, इसमें खिचड़ी खिलाया भी नहीं जाता है, ठीक है। और थाली लेके बच्चे लोग जाता है, थाली लेके आता है। और जो सबसे बड़ी मुद्दा है कि जो पंचायत का जो टीचर लोग जो हैं, एक यही पंचायत का टीचर यही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो ग्रामीण जनता उसको बोल नहीं पाते हैं, या दबंग रहने के कारण या गांव के रहने के कारण वो टीचर के बोल नहीं पाते हैं। तो हम लोग को कहना है मैडम कि जे मैं बिहार सरकार से मैं प्रार्थना करता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि अब 1500 पर बहाल शिक्षा मित्र का हुआ था, अब तो 30,000 मिलता है उनका रुपया, क्यों नहीं उनको पंचायत जिला से एक जिला से दूसरे जिला ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि वो कोचिंग नहीं चलावें, वो ट्यूशन नहीं पढ़ावें प्राइवेट से, बिल्कुल वो है जो हमारी बच्चों को पढ़ाएं सरकारी स्कूल में। वो लोग जाते नहीं हैं सरकारी स्कूल में, वो लोग को बेटा कोटा पढ़ता है, बाहर में पढ़ता है टीचर का बेटा। और हमारी जितने भी गरीब लोगों को बच्चा है, खाली खिचड़ी, या खिचड़ी भी क्या खिलाता है, बढ़िया से माड़ भात भी नहीं खिलाता होगा, एक देता है। और हम लोग आवेदन देते देते भी थक गए एमओ के पास, हम तो एमओ भर भी हमारी औकात है, डीएम साहब तक औकात है जाने का, जहाँ तक हम लोग आवेदन देते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जाता है, कोई एमओ रिस्पॉन्स भी नहीं ले पाते हैं। ये फतवा प्रखंड की बात बता रहे हैं, ऐसे बिहार में ही ऐसा होते जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का मैं कहूँ से उनकी कमी नहीं है, ये प्रशासनिक का ही कमी है। अगर हमारी प्रशासनिक ने सुधर जाए तो बिहार की शिक्षा सबसे ए बन में हमारी आ जाएगी। तो लापरवाही तो है, ये तो मैं जान रहा हूँ, मैं एक छोटा इकाई मुखिया पद से बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि देख रहा हूँ, बोल नहीं, मैं देख के बोल रहा हूँ कि एक सबसे बड़ी समस्या है जो कि लोकल टीचर का जो बहाल कर दिया गया है, और बहाल भी फर्जी से किया गया है, अनपढ़ गवार को भी, कितना पढ़े लिखे हैं कितना अनपढ़ गवार भी हैं, और उनको बहाल कर दिया गया है, और वो खेती गृहस्थी भी करते हैं अपना, स्कूल जा भी नहीं पाते, लेकिन 25 को लड़का जाता है 300 का हाजिरी बनता है। तो क्या हमारी सरकार की तो जितने भी पैसा खर्च जो हमारी सरकार दे रहे हैं वो तो खर्च हो ही रहा है, तो हो रहा है क्या, पेज पर हो रहा है, कागज पर होते जा रहा है, लेकिन हमारी गरीबों को राहत नहीं मिल रहा है, हमारी गरीबों को बाल बच्चा सही सलामत से नहीं पढ़ रहा है। तो इससे अच्छा है कि उसकी टीचर लोगों को अगर नहीं तो सरकारी काम में उसको लगा दिया जाए, स्कूल में कहला दे रहे हैं ड्यूटी, वो तो बढ़िया से पढ़ाने ना रहा है, अगर पढ़ाते तो आज प्राइवेट में हर व्यक्ति जो पैसा कमाते हो हर व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं जी, पैसे जी। वाले आदमी हमारे गरीब बेचारे कहाँ से भेजेंगे प्राइवेट? जी जी, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में काफी परेशानी है, बहुत परेशानी है मैडम, कहने लायक नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसे समूचा आदमी जानते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का इस पर ख्याल करें जी। सबसे बड़ी चीज होती है शिक्षा, और गरीबों को शिक्षा जड़े से मिलना चाहिए, उसके बाल बच्चा को जड़ से मिलना चाहिए, लेकिन जड़ से नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है, ना मिलने का आधार भी नहीं हो रहा है। अभी तक कहां से सुनवाई होते जा रहा है, पांच साल से मेरा पांच साल हो चुका है,
जी मुखिया का मैंने देखा हूँ कि जे कोई प्रगति पर मेरा शिक्षा मेरी पंचायत में क्या फतुहा प्रखंड में नहीं आता है। जी अच्छा मुखिया जी, राशन के आपके क्षेत्र में क्या व्यवस्था है? राशन का तो 10 किलो प्रधानमंत्री जी का आया था और बिहार सरकार जो हमारे दिए हैं राशन कार्ड हर महीना में फ्री कॉस्ट मिलने के लिए, वो फ्री कॉस्ट तो मिल नहीं पाता है, फ्री कॉस्ट भी नहीं मिलता, जनता क्या जाने गया, जनता जाता है पैसा लाइए, जनता जानता है क्या जी, सगरो पेपर में दल के कि फ्री मिलते हैं फ्री मिलते हैं, तो डीलर और दू गो दलाल मिल के अपना बेचारी को पैसा ले ही लेता है और देना चाहिए महीने महीने राशन, तो वो देगा 3 महीना पर। उसको पूछा गया, हम पूछे आवेदन भी दिए बीओ के पास, पूछे भी क्या जी क्या समस्या है, अरे हर महीना में नहीं मिल पाता है, 2-2 महीने तो नहीं सर आवंटन नहीं आ पाया है, जब आवंटन आएगा तब बांटेगा डीलर, जब अभी नहीं उठाया है अगले महीने का नहीं उठाया है, तो वो लोग को समस्या जो है मैडम हमने जानते हैं, सब डीलर से एक वो दलाल है समझ गए फतुहा प्रखंड में, वो दलाल सब कॉपी ले लेता है, IMO को अपना घर में बैठाता है समझ गए, 5 साल के रियल में मैंने मैडम देखा हूँ, वो अपना घर में IMO को बैठाता है, ऑफिसे वो अपना घर में बने ले रहता है, और सब डीलर के कॉपी तहसील के आवाज उठा के और गोडाउन में बंद करके ब्लैकमेल करता है वो अनाज का, और डीलर का पूंजी नहीं लगता है ओकरे पूंजी से 2-3 महीना पर एक आग बार दे दिया और एक बार देला के बाद में 3 महीना फिर बैठा हुआ है, तो इससे राशन देला से क्या फायदा है गरीबों को? और नहीं तो आज की आज अगर सही सलामत ईमानदारी से अगर भगवान से भी डरता होगा, अरे आदमी से नहीं लेकिन भगवान से भी डरता होगा जो गलत काम करता है, आज की आज सुधार आ जाएगा, आज की आज हमारा गरीब नहीं रोएगा भूखल, और राशन का राशन जब मिलेगा तो हमारे गरीब कभी भी नहीं रो पाएगा, जितनी हमारी सरकार ने राशन देते हैं गरीबों के लिए, लेकिन गरीब को मिल नहीं पाता है, ये सारी प्रशासनिक लूट हो रहा है, दलाल लूटता है प्रशासनिक लूटता है, मैं स्पष्ट बोलूँगा, मैं कहूँ से चैलेंज मैं करता हूँ कि मैं मुखिया बना हूँ तो हर मुखिया हर प्रकार का होते हैं, एक रगर नहीं होते हैं, मैं अपना पैसा से लॉकडाउन में अपना प्रश्न सरकार की पैसा से नहीं, मैं अपना पैसा से 4.5 लाख का सैनिटाइजर साबुन मास्क बांटे थे मैडम, 10 लाख का मैंने चावल बांटे थे 21 राइस मिल से, अभी हमारा वाउचर देखेंगे सब लोग, मैंने जाड़ा का मौसम आया तो मैंने कम्बल बांटे, 3 लाख का मैंने दवा बांटे थे, घरेलू किसी जो घरेलू गांव के घरेलू जो चिकित्सक होते हैं जो हमारे बिहार सरकार ने उसको ट्रेनिंग दे के भेजे थे, उनसे मैंने 3 सेंटर खुलवाए थे अपना पंचायत में 24 आवर्स मैंने 24 घंटा के लिए लॉकडाउन में, और मैंने 3-4 लाख रुपया खर्चा किया, मैंने 30-40 लाख रुपया मैंने अपना खुद पर्सनल मैं खर्चा किया हूँ, तो सब मुखिया का ऐसा नहीं है कि जो एक ही से मैंने टाल दें, अफसर लोग तो समझते हैं क्या कि मुखिया लोग मैंने तो आपके क्षेत्र के विधायक रामन यादव है ना फतुहा से, तो क्या उनसे सहयोग नहीं मिलता है क्या कुछ? हाँ विधायक जी के तो जी विधायक जी के तो हम लोग को सहयोग नहीं मिलता, ना हमारी पंचायत में ऐसा जी काम हुआ है, ना हमारी पंचायत में उतना विधायक जी आते नहीं है, विधायक जी अगर ध्यान देते तो हमारी पंचायत ऐसा नहीं रहता फतुहा प्रखंड में, आज फतुहा प्रखंड में अगर विधायक जी का मैं कहना चाहता हूँ कि अगर विधायक जी फतुहा को अगर देखते तो जो पूरे बिहार में ब्लॉक गंदा नहीं है जितना गंदा ब्लॉक हमारी फतुहा प्रखंड में है, एकदम सारा आवास जी सारा सोसाइटी। अच्छा मुखिया जी ये बताइए कि आपके अनुसार आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है प्रमुख रूप से जिसके कारण इस क्षेत्र का विकास रुका हुआ है? सबसे बड़ा समस्या तो है कि मुखिया का तो जो औकात है उतना ही भर काम करेगा, हमारी विधायक जी का काम था, हमारे सांसद जी का काम था जो बहुमूल्य काम है जिसके कारण से हर साल हमारी जनता डिस्टर्ब रहता है, वो है रोड, ग्रामीण रोड से 4 लाइन तक है जो हमारी 6 गांव है हमारी पंचायत में, एक है तो 6 गांव में बरना ठीक है, नियाजीपुर से 4 लाइन एक रास्ता है मात्र मैडम, एक रास्ता है,
और एक रास्ता था वो रेलवे लाइन तड़प के था, जो दनियामा से फतुहा गया इस्लामपुर गया रेलवे लाइन उसे तड़प के जाना पड़ता था। तड़प के बलियोबरी जाता था, तब ट्रैक्टर एक्सीडेंट कर गया, आदमी कट जाता था, वो रोक लगा दिए रेलवे सरकार ने, समझ गए। अब है जो एक रास्ता बचा ग्रामीण रास्ता जो फोर लाइन तक आया, फोर लाइन में मिला तो इतना नीचा रोड है, उसमें एक पुल पुलिया नहीं दिया गया है। हर साल बाढ़ आता है तो आवागमन रुक जाता है, मैंने बाप फ्लड आया मैडम आवागमन रुक गया। वही बात निसिबू चक में भी है, निसिबू चक से भी ज्वाइंट है फोर लाइन में रास्ता, वो भी इतना नीचा रास्ता है, इतना रोड कि हर साल रोड कट जाता है, पुल पुलिया है नहीं तो रोड कटना ही है, पानी कहाँ कैसे रुक पाएगा। जो पानी आता है ऊपर से दिल्ली इधर से यूपी तरफ से बिहार में, बिहार से इधर बंगाल की ओर जाती है तो खंगारते चला जाता है, पुल पुलिया रहेगा तब ना मैडम पानी निकल जाएगा पुल पुलिया से, या हाइट रोड रहेगा तो पार नहीं करेगा, हाइट रोड है नहीं उस समुच्चा हर साल डिस्टर्ब हो जाता है। मोमिनपुर में भी वही हाल है, मोमिनपुर में भी रोड का जो समस्या है वही है, नीचा है पानी पार करता है, पानी का निकास नहीं है, पुल नहीं है। और एक बड़े बहुत बड़ा समस्या है मैडम, जो कि दो गाँव का हर महीना में एक आदमी कट जाते हैं, रेलवे से दो आदमी कटते हैं हर महीना में, वो ले सकते हैं रिपोर्ट मैंने फतुहा जीआरपी से भी, कि एक रास्ता है उसमें विधायक जी को 10 वर्ष से कहते जा रहे हैं सब लोग कि विधायक जी जो रेलवे ट्रैक से नीचे जो रास्ता है फतुहा स्टेशन से बुद्धदेव चक होल्ड तक ला ग्रिड तक वो रास्ता को बनवा दीजिए। हालांकि 2 किलोमीटर बना हुआ है रोड मैडम, मात्र आधा किलोमीटर मिट्टी फिलिंग का काम बचा हुआ है, उसको भरवाने के लिए कम से कम 10 वर्षों से हमारी जनता ने कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं 5 साल से, लेकिन अभी तक रोड नहीं बन पाया। और जैसी बारिश का मौसम आता है जंगल हो जाता है, उपज जाता है तो पाका हो जाता है, तो उसको दिखा आवागमन रुक जाता है मैडम, तो रेलवे लाइन ट्रैक पकड़ के सब जाते हैं। एक ऐतिहासिक है, देखने का चीज़ है कि हमारी पंचायत में सबसे बड़ी नतीजा है कि एक महीना में एक आदमी दो आदमी जरूर कट जाते हैं फतुहा जाने के लिए, कोई रास्ते नहीं है, फोर लाइन से तो जा नहीं सकते हैं, जब भी जाएंगे तो रेलवे लाइन पकड़ के जाते हैं, वो रास्ता नहीं रहने के कारण तो ऑटोमेटिक है कि कट जाते हैं। बड़ी अफसोस की बात, हम जब से बने हैं मैडम अफसोस की बात है कि हमारी रोड नहीं बन पाए, हालांकि जो विधायक जी को कहते कहते हम लोग थक गए, सांसद जी को कहते कहते थक गए, लेकिन नहीं बन पाया। उसी के कारण है कि महीना में बुद्धू चक का मोमिनपुरा इंडस्ट्री में जो गरीब लोगों खटते हैं वो इसी रास्ता से जाते हैं, कम से कम 300 यूनिट है फतुहा में इंडस्ट्री एरिया का खुला हुआ समुचा। अच्छा मुखिया जी, अगर आप दोबारा इस क्षेत्र से जीत जाते हैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? पहले तो मैं करूंगा वही रोड के लिए, मैं अपना पर्सनल, अगर सरकार इस पर नहीं ध्यान दिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहता हूँ हाथ जोड़ के कि अगर मेरा न्यूज जाता होगा उनके पास तो जरूर इस बिंदु पर बोले, उस पर जरा सा अमल करके हमारी फतुहा प्रखंड में हमारी पंचायत में काम करवा दें, ताकि उनकी सब दिन हमारी पंचायत से सब दिन उनको योगदान मिला है, हमारी पंचायत में हुआ है, रेलवे होल्ट दिए, होल्ट जो स्टेशन दिए हैं जो होल्ट बना है मैडम, वो रेल मंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही यहाँ यादव नगर होल्ट दिए थे बुद्धदेव चक, तो सबसे पहले मैं वो रोड बनाऊंगा जो हमारी घटना होती है। हम अपना अगर सरकार नहीं ध्यान देंगे तो अपना फंड से जेसीबी और पोपलिंग लगा के जीएसबी जरूर करवा दूंगा, सबसे मैंने एकदम जीत के आऊंगा इसको करवाऊंगा। अगर नहीं सरकार, अगर अभी बारिश के मौसम ना भी रहता तो मैं अभी कभी करवा दो। हाल ही ख्याल की बात है, मैंने एक सप्ताह हो गया होगा अभी उसका मैंने कट गई है बेचारी, उसका पापा जी भी नहीं थे, खाली माँ थी, पढ़ने के लिए जा रहे थे, लड़की बेचारी थी, कट गई। अभी उसका मैंने काम क्रिया भी बेचारी को नहीं हुई है, बड़ी अफसोस लगता है मैडम, इतना अफसोस है इस रास्ता के लिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अब तो मौसम भी है बारिश का, नहीं तो हम अपना तरफ से भी 20 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख लगता, लेकिन जीएसबी तक हम लोग हम कम से कम अपना पर्सनल फंड से बनवा देते, सरकार को भी छोड़िए, लेकिन अब तो बारिश का मौसम है क्या करें। जी जी। अच्छा मुखिया जी, दर्शकों को हमारे बताएं कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या कार्य किया है।
कार्य तो हमने किए कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर मैडम अपना मैंने सड़क का निर्माण करवाए अपना फंड से। हमारे पास मशीन है मैडम, हम कॉन्ट्रेक्टर भी थे, सिविल जॉब सिविल के काम करते थे बड़ा बड़ा कंपनी में। तो सब लोग कहे कि मुखिया में हम भगवान से विनायक एक बार हमको सेवा करने का जनता का मौका मिला था और बड़ी शौक था हमको मुखिया बनने का। कि सब कहते कि जे मुखिया और विधायक या लोकसभा में ऐसे ऐसे होते हैं, हम बोले कि भाई हमको भी भगवान दीजिए एक बार मौका जनता का सेवा करने के लिए। और भाई जनता माला पहनाता है मैडम कि सेवा करेंगे ही नेता। तब उनका नौकर हुए, नौकर की तरह मैं जनता को सेवा करता हूँ और मैं बहुत गरीबताई से आगे आया। मैं अपने सफाया नहीं दे सकता हूँ कि गरीबताई से कैसे आया हूँ, लोग हमारी जनता जरूर बता देंगे और बहुत मदद करते हैं मैडम। जो उम्मीद लेके हमारे पास जनता आते हैं उम्मीद को हमने पूरा कर देते हैं। जो उम्मीद लेके आए चाहे इंदिरा आवास के लिए, चाहे सबरसेबुल के लिए, चाहे रोग बलाए में पैसा के लिए, शादी में पैसा के लिए, या दाह संस्कार जो होता है उसमें 10,000 रुपया कोई भी व्यक्ति गरीब से अमीर तक मरते हैं सब लोग को हम देते हैं जाकर 10,000 रुपया। हालांकि सरकार के पैसा से हमको कोई मतलब नहीं है जी। और महेश जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए फतवा के मोहितपुर पंचायत के मुखिया महेश कुमार, जिन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में अभी भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं। यहाँ सड़कों का निर्माण पूरी तरीके से नहीं हुआ, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी कमी है। यहाँ के विधायक के द्वारा उन्हें सहयोग भी प्राप्त नहीं होता। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज़।